आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। महिला सशक्तिकरण को किसी एक शब्द में नहीं बांधा जा सकता। डीआईजी श्री अतुल सिंह, पीजी कॉलेज में आयोजित हुआ विशेष व्याख्यान। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन में 25 मई शनिवार को एनसीसी द्वारा नई रोशनी स्कीम के तहत महिला सशक्तिकरण विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर जीएस चौहान ने वक्ताओं का परिचय कराया तथा महिला सशक्तिकरण के लिए महाविद्यालय द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बारे में बताया। मुख्य वक्ता श्रीमती वर्षा सोलंकी, डीएसपी अजाक जिला खरगोन ने अपने वक्तव्य में बताया कि किसी भी राष्ट्र का विकास तब तक अधूरा है जब तक महिलाओं के समग्र विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता। महिलाओं की प्रगति समाज की प्रगति का सबसे बड़ा सूचक है। महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होनी आवश्यक है। डीआईजी श्री अतुल सिंह ने अपने व्याख्यान में कहा कि महिला सशक्तिकरण को किसी एक शब्द में नहीं बांधा जा सकता। उम्र, परिस्थिति तथा भूमिका के अनुसार प्रत्येक महिला के सशक्तिकरण की आवश्यकता अलग अलग होती है। उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उनकी पसंद नापसंद जैसे अनेक पहलू मिलकर उन्हें सशक्त बनाते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। संबंध में महिलाओं को अधिक से अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है। क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर गगन चौधरी ने विद्यार्थियों को नई रोशनी स्कीम के बारे में विस्तार से बताया। एनसीसी अधिकारी प्रोफेसर संतोष राठौड़ ने वक्ताओं तथा व्याख्यान में उपस्थित रहे सभी प्राध्यापकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बटालियन से एनसीसी महिला यूनिट की स्वीकृति मिल गई है, जिससे महाविद्यालय की छात्राएं भी एनसीसी ज्वाइन कर सकेंगी। विशेष व्याख्यान का संचालन प्रोफेसर ऐश्वर्या दिलावरे ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर आर एस देवड़ा, महाविद्यालय का स्टाफ, एनसीसी कैडेट्स और अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।